दोस्तों आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में इंट्राडे में स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे ऑर्डर की टैब में आ गए हैं जहाँ पे हमारी पोजीशन बनी हुई है। एनटीपीसी के ऊपर हमने इंट्राडे की पोजीशन बनाई है, हालांकि पोजीशन बहुत छोटी है क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पज है। तो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हो तो सिंपली स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का बटन दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली स्टॉप लॉस के पेज के ऊपर चले जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको कितनी, मतलब स्टॉप लॉस कितने क्वांटिटी पे लगाना है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप पूरी की पूरी क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर पार्शियल क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो किस रेंज में आपको लगानी है, इसका यहाँ पे एक रेंज दिया जाता है, उसी रेंज में आपको स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में रेंज होता है, उसके नीचे आप नहीं लगा सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे दो तरह के स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलता है, एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट, एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस एंटर करते हो और आपकी खुद की लिमिट प्राइस भी एंटर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 196 पे, तो मैंने यहाँ पे 196 पे क्या कर दिया, जो ट्रिगर लगा दिया, लेकिन मैं एक लिमिट प्राइस सेट कर रहा हूँ जो है 195.80 पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया दो प्राइस। जब भी ये स्टॉक जो है वो 196 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये 195.80 पे आएगा तो ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो प्राइस लगाने का मौका मिलता है। एक फ़ायदा है इसका, अगर स्टॉक की प्राइस 196 पे आने के बाद ही रिवर्स हो जाए तो आपका 20 पैसे से स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा और आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा, और वहां से स्टॉक अगर ऊपर भाग जाता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस लिमिट का इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको दो प्राइस लगाने का मौका मिलता है। दूसरा तरीका है मार्केट का। मार्केट में क्या होता है कि आपको प्राइस निगोशिएट करने का या फिर लिमिट में जैसे हमने एडिट किया था उसका कोई मौका मिलता नहीं है। 196 पे प्राइस जैसे ही आएगी यहाँ पे एक्सचेंज के पास ऑर्डर चली जाएगी और एक्सचेंज क्या करेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर, उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर देगा और आप एग्जिट हो जाओगे। अब इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट ऑर्डर किस तरीके से होता है और उसके बाद देखेंगे लिमिट ऑर्डर। तो सेल के ऊपर हम कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करने के बाद ओपन ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस है सेल का वो पेंडिंग है। अब यहाँ पे हम अगर इस ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चल देगा, ऑर्डर हिस्ट्री नहीं, ऑर्डर हिस्ट्री में नहीं जाना है आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देती है। SLM ये इंपॉर्टेंट है, मुझे यही दिखाना था आपको। SLM यानी कि SL मार्केट हमने लगाया है 196 के ऊपर, ट्रिगर प्राइस 196 लगाया है। SLM यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। अगर आपको ऑर्डर एडिट करना है, कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हो, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो। हम एडिट में जाते हैं और लिमिट सिलेक्ट करते हैं और लिमिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो प्राइस दी गई है इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इस रेंज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि लिमिट ऑर्डर में किस तरीके से आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कम कर देंगे, 196 के भी थोड़ा नीचे लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था 195.80 पे मैं लगाऊंगा, लिमिट हमने सेलेक्ट कर दिया है, कन्फर्म हम कर देंगे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ SL लिख के आ रहा है, यानी कि SL लिमिट यहाँ पे आपका ऑर्डर लग गया है। तो ये दो तरीके होते हैं इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाने के। ये ऑर्डर 3:30 तक ही वैलिड रहता है, एक दिन की ही वैलिडिटी होती है, यानी कि मार्केट बंद होने तक आपका ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसे 3:15 के बाद आपका ऑर्डर जो है वो पोजीशन जो है ऑटो स्कोर ऑफ हो जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंजल वन में इंट्राडे की पोजीशन पे। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंजल वन में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।